और ये हदीस अबू शरा सहाबी हैं कहते हैं एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए यानी साहबा हम बैठे हुए थे और हमारे पास अल्लाह के नबी सल्लम तशरीफ़ लाए और आने के बाद आपने कहा अब शुरू अब शुरू दो बार आपने कहा खुश हो जाओ खुश हो जाओ उसके बाद आपने एक सवाल किया ये कहने के बाद आपने एक सवाल किया क्या तुम गवाही नहीं देते कि अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ साहबा से आपने पूछा क्या तुम इस बात की गवाही नहीं देते कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ सारे साहबा ने कहा नाम हाँ हाँ अल्लाह के रसूल हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं हम गवाही देते उसके बाद आपने फरमाया इबुन तरफ बी व तरफहू बी तुम ये जो कुरान तुम्हारे पास है ना ये कुरान एक रस्सी की तरह से है इसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और एक सिरा तुम्हारे हाथ में है फकू ब इसे मजबूती से पकड़ लो थाम लो इसे मजबूती से

लोग फितनों के शिकार हो रहे हैं और फितनों से निजात का एक बहुत बड़ा जरिया ये है कि एक आदमी कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करे और उसे पकड़े कैसे पकड़ेगा उसको पढ़ना उसको समझ के पढ़ना उस पर अमल करना आज आप देखिए हमारे घरों में और हमारी जिंदगी में कुरान का क्या मकाम है और कब हम कुरान खोलते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ रमज़ान में कुरान खोलते हैं वो भी रमज़ान में कुछ दिनों तक दो चार दिन तक कुरान पढ़ा उसके बाद बंद कर देता है फिर साल में जब रमज़ान दोबारा आता है फिर कुरान को उठाता है तो ये कि आज हमारी ज़िंदगी में कुरान का हमने ये मकाम कर दिया है ये कुरान की हैसियत हमारी निगाह में ये हो चुकी है कि हम साल में एक बार खोल रहे हैं या आज मुसलमानों में ऐसा है कि कुरान कोई साल सवाब के लिए पढ़ रहा है कोई जो है किसी को सवाब पहुंचाने के या दुकान लिया तो दुकान की खै बरकत के लिए कुरान पढ़ रहा है मकान लिया घर लिया तो उसके लिए कुरान खानी करा रहा है आज लोगों में कुरान यानी दुनिया कमाने का जरिया उसने कुरान को बना दिया है, खाने कमाने और जो है लोगों से नफा हासिल करने कैसे माल आए उसके लिए आज कुरान इस्तेमाल हो रहा है लेकिन कुरान जिंदगी में हिदायत आए इसके लिए कितना इस्तेमाल हो रहा है आज कुरान को हिदायत के लिए कितने लोग पढ़ रहे एक आदमी अपनी बेटी को कुरान पढ़ाता है इस नीयत से पढ़ाता है कि ताकि रिश्ता जब आए निकाह के टाइम कह सकता है कि हां मैंने बेटी को पढ़ाया है बेटी की जिंदगी में हिदायत आए उसकी जिंदगी बदल जाए कुरान पढ़ के इसके लिए कितने लोग पढ़ाते हैं आज हमारा रिश्ता कुरान से कमजोर हो चुका है और इसीलिए अल्लाह के नबी वम ने एक और हदीस में क्या फरमाया कि अल्लाह ताला इसी कुरान के जरिया बहुत सी कौमों को इज्जत देता है और बहुत सी कौमों को अल्लाह जलील कर देता है कहीं ना कहीं आज हमारी जिल्लत की एक वजह यह भी है कि आज हमारा रिश्ता कुरान से ख़त्म हो चुका है कुरान तो ऐसा होना चाहिए कि रोज़ाना हमको पढ़े बगैर नींद ना आए हम जब बिस्तर पे जाएँ तो ऐसा लगे कि आज तो कुछ छूट गया है कुछ तो रह गया एक पेज दो पेज रोज़ाना पढ़ना चाहिए कुरान समझ के पढ़ना तो एक अलग चीज़ है ही वो तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए कम से कम तिलवत तो करें रोज़ाना कुरान इतनी अल्लाह त महबूब किताब की जो है इज्जत वाली किताब और ये कौमों को इज्जत दिलाने वाली किताब आज हमारी जिंदगी में ये नहीं है और इतना ही नहीं आप देखिए दुनिया का सबसे बड़ा फितना कौन सा है दुनिया का सबसे बड़ा फितना आदम आदमी से लेकर के कयामत तक सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना है उससे बड़ा फितना दुनिया में कोई ना हुआ है ना होगा उस दज्जाल के फितने से निजात का जरिया भी नबी ने कुरान बताया आपने क्या फरमाया मन हफि अश्रयाफ में न दज्जाल जिसने सुर कहफ की दस आयतें शुरू की याद कर ली एक रिवायत में आखिर की भी है कि दस आयतें याद कर ली हिफ्ज कर लिया वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा यानी सबसे बड़ा फितना उससे भी हिफाजत के लिए जरिया कुरान है तो आज छोटे छोटे फितने जिंदगी में हैं उनसे भी निजात का जरिया कुरानी है हम कुरान से मोहब्बत करें आज आदमी कुरान किसी ने बेहरमती कर दिया कुरान की तो रोड पर निकल जाता है हाँ? कुरान की किसी ने बेहरमत कहीं जला दिया किसी ने गलत किया उसने लेकिन आज मुसलमान बाहर निकल जाता है और नारेबाजी करने लगता है करने के लिए लेकिन उसी आदमी से पूछो कि जरा कुरान तु रोजाना कितना पड़ता है नहीं मालूम उसको कुरान की पांच खूबी बया, बयान कर दे नहीं मालूम उसको या फला फला सूर्य बता दो नहीं मालूम उसको तो आज मुसलमानों का हाल यह है कि जो है हमारी ज़िंदगी में कुरान की अहमियत ख़त्म हो चुकी है इसलिए हम ख़ुद भी पढ़ें अपने बच्चों को पढ़ाएं आज के दौर में निजात का सबसे बड़ा जरिया कुरान से लगाओ हम इससे मोहब्बत करें और रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में इसको लाएँ अल्लाह ताला हम सब लोगों को कुरान पढ़ने की इससे मोहब्बत करने की इसको अपनी ज़िंदगी में रोज रोज़ाना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे अमल करने की और अमल में लाने की तोफ़ीकदा फरमाए आमीन तकबला रब सुनिक्दी का अशदालास्त फिर तो